नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। चलेगी 2600 ट्रेन और 36 लाख लोग करेंगे सफर रेलवे में। जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 1 मई के सबसे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया था। इसके बाद ही रेलवे ने किसी भी स्टेशन से ट्रेन चलाने की तैयारी किया है। राज्यों को कहा गया है कि जहां से उन्हें जरूरत है वहां से ट्रेन चलाई जाएगी। 20 मई को सबसे ज्यादा ट्रेन यानी कि 280 ट्रेनें चलाई गई। पिछले 4 दिनों में 2600 ट्रेन चलाई गई है। 80% यात्री यूपी बिहार से हैं। रेलवे चेयरमैन ने बताया कि यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने 80% यात्रा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर 10 दिनों के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें करीब 36 लाख यात्रा सफर कर पाएंगे। दूसरी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन में इनकम डाउन होगा और बैंक में जमा पैसे भी घट सकता है ब्याज। जी हां, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मई को पॉलिसी रेट में कटौती किया है। रेपो रेट में 40 घटाकर 4% कर दिया गया है। जिन लोगों ने कर्ज लिया है उन्हें तो भी इस फैसले का फायदा होगा, खास करके वो लोग जिन्होंने अपना कर्ज रेपो रेट से लिंक कराया है। लेकिन जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग में पैसा जमा किया है उनको बैंकों से मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। इससे पहले आरबीआई ने मार्च में भी रेपो रेट कटौती किया था। लॉकडाउन जब से चला है तब से अब रेपो रेट में करीब 115 पॉइंट की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती किया गया है जिसमें 4.4% से लेके 4% किया गया है। खबर निकल के आ रहा है कोविड-19 के बारे में। जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पहला चरण काफी ज्यादा कामयाब हो चुका है। 8 लोगों पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया था जिसमें सभी लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिला और सुरक्षित पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रायल का अगला फेज बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा जिसमें और से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाने वाला है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाली मॉडर्न पहली कंपनी है और वैक्सीन डेवलपमेंट में जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक नया तरीका है जिसमें वैक्सीन बनाने के वायरस से जेनेटिक्स मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अब तक वैक्सीन तैयार करने के लिए ये प्रयोग में नहीं किया जाता था, यानी कि बहुत जल्द ही कोविड-19 का वैक्सीन मिलने वाला है। चौथा खबर भी पूरी तरह से चीनी वायरस पे ही आ रहा है। जी हाँ, भारत में कोरोना से अब तक 1,25,101 मामले आ चुके हैं और करीब 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में करीब 6,654 नए मामले सामने आए हैं जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 23 मई की सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 1,25,101 मामले की पुष्टि हुई जिसमें 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 किलोमीटर सफर 500 रुपए की साइकिल से तय किया। पिता के साथ हुए हादसे के बाद पढ़ाई छोड़ी थी, अब शुरू करेगी पढ़ाई। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने इस फोटो को ट्वीट किया है। जी हाँ, लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी को इधर से उधर कर दिया। इस दौरान कई कहानियां देखने और सुनने को मिल रही है। कई सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यास पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। इसी में दरभंगा की एक बेटी जो अपने बीमार पिता को 10 मई से दिल्ली के लिए चली थी और 16 मई को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने 7 दिन में करीब 1200 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया है। ज्योति सात समुद्र पार अमेरिका भी पहुंच चुका है। तभी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इमका ने भी उन्हें ट्वीट पर सहराया है। खबर किसानों के लिए आ रही है। जी हाँ, किसानों के लिए बेहद ही राहत की खबर है। खरीद फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एमएसपी करीब 2.9% बढ़ाई जा सकती है। धान की कीमत और मक्का बाजार को देगा मुनाफा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार खरीद फसल के लिए खरीदारी के लिए एमएसपी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ने अपनी सिफारिश सौंप दिया है। अब इन सिफारिश को मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि एमएसपी की सिफारिश पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज्यादा मुनाफा होगा और जिसकी आय में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि धान की एमएसपी करीब 53 रुपए बढ़ाने की सिफारिश किया जा रहा है। ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी ने खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश किया है जिसमें धान की फसल सबसे प्रमुख है। यदि एमएसपी की सिफारिश मान लिया जाता है तो धान की एमएसपी 53 रुपए प्रति क्विंटल रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से समान धान की एमएसपी को बढ़ोतरी करके 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश किया गया है। दाल की भी एमएसपी बढ़ाई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक सीएसपी के प्रस्ताव को लेकर फूड एवं अन्य संबंधित मंत्रालय को साथ विचार परामर्श कर रही है। इसके बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि सामान्य तौर पर एमएसपी की सिफारिश पूरी तरह से मान लिया जाता है।
एक बार फिर से बैंक ने ईएमआई पर दिया है छूट। जी हाँ, बीते 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक ने लोन की ईएमआई पर एक बार फिर से 3 महीने की सुविधा बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद इस बात के कयास लग रहे थे कि आरबीआई लोन की ईएमआई भुगतान टालने की सुविधा को बढ़ा सकता है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर से इस सुविधा को 21 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से ईएमआई भुगतान टालने यानी मेटरेनिन को कहा था। इसके बाद बैंकों ने 3 महीने के लिए अपने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान टालने की छूट दी थी, लेकिन अब इस छूट को अतिरिक्त 3 महीने यानी कि 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के बारे में मिले अहम सुराग, रिपोर्ट हुई दर्ज। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भरे मैसेज ने गुरुवार देर रात पुलिस अफसरों के होश उड़ा दिए थे। टाइल 112 मुख्यालय की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाइट नंबर पर आए मैसेज सूचना अधिकारी को दिया गया, जिसके बाद गोमती नगर थाने से इंस्पेक्टर धीरज कुमार की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि मैसेज में लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ा देने वाले हैं। धमकी देने वाले ने धर्म विशेष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को उनकी जान का दुश्मन कहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एटीएस और एसटीएफ की टीम भी धमकी देने वाले की तलाश कर रही है। पुलिस अभियुक्त का कहना है कि धमकी देने वाले के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, पुलिस टीम लगाई गई है, जल्द ही मोबाइल नंबर धारक का पता लगाया जाएगा। इस महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई के अंत तक भारत में चरम सीमा पर होगी कोरोना वायरस। देश में अगर लॉकडाउन के इस महीने के अंत में खत्म कर दिया जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में चरम पर पहुंचने में जुलाई के मध्य तक समय लगेगा। यह दावा करते हुए एक नामी महामारी विशेषज्ञ ने मंगलवार को कहा कि चरम पर पहुंचने के बावजूद देश में पिछले 2 महीने के दौर में किए गए रोकथाम के मजबूत उपायों के संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी सी दिखाई देने की संभावना है। आपको बता दें कि 30 मई को लॉकडाउन हटते ही जुलाई मध्य के करीब संक्रमण की पीक पर होगी, क्योंकि इसके अलावा आपको 3 इंक्यूबेशन पीरियड से गुजरना होगा जो करीब 1.5 महीने बैठता है। उन्होंने कहा है कि यह समय जाने के लिए पर्याप्त होगा, नियंत्रण के लिए जाने के लिए स्थिति व बीमारी कैसे फैलती है। नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को 500 करोड़ रुपए देने का किया है ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से पैदा हुई स्थिति को जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां की राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। 83 दिन के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर गए हैं। उन्होंने आखिरी दौरा 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट में किया था। कोरोना वायरस को संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रमों में शिरकत के लिए दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए एडवांस व्यवस्था के तौर पर देने का फैसला किया। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान अफान के कारण आहत हुए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा किया है। 30 लाख का बिल भेजने को लेकर कांग्रेस पर बरसी मायावती, खूब सुनाई खरी खोटी। उत्तर प्रदेश के बस विवाद का मामला अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश को 36,36,000 रुपए का बिल भेजकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया है। राजस्थान सरकार के इस कदम के बाद भाजपा कांग्रेस को लेकर अधिक हमलावर हो चुके हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने लेकर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। मायावती ने ट्वीट में किया है कि राजस्थान की सरकार कांग्रेस सरकार कोटा से करीब 1200 युवक युवतियों को वापस उनके घर भेजने के लिए खर्च में यूपी सरकार से करीब 36,36,000 रुपए देने की मांग किया है, जो कि उनकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखदायी है। सरकार किसान को देगी 9,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि किसान योजना के तहत किसानों को पहले 2,000 रुपए का किस्त दिया जाता था, और अब सरकार इस पे चर्चा कर रही है कि 2,000 रुपए से बढ़ाकर इसे 3,000 रुपए किया जाएगा, जो कि साल में 3 बार दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहले 2,000 की 3 किस्तें साल में दिया जाता था, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि 3,000 रुपए यानी कि साल में करीब 9,000 रुपए किसानों को देने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में मोदी सरकार इस पर कोई फैसला बहुत जल्द ही लेने वाला है। इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, पटना में महिलाओं ने व्रत सावित्री व्रत किया। लॉकडाउन फेज का शुक्रवार का 5वां दिन है। लॉकडाउन के नियमों में ढील मिलने के बाद धीरे धीरे अब कुछ सामान्य होती हुई नजर आ रही। दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को नमाज पढ़ी गई। उधर आज भारत के कई इलाकों में लॉकडाउन के बीच महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर व्रत सावित्री पूजा किया है।
पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे के पास यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में 98 यात्री सवार थे। पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक लाहौर के से कराची जा रहा PIE का एक विमान कराची हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 90 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। सुराती जानकारी के मुताबिक विमान में 98 लोग सवार थे, जिसमें से 88 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे। खबरों के मुताबिक लाहौर से उड़ान भरने वाली PIE का एयरबस A320 कराची से जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से एक मिनट पहले मैली कैंट में गेट नंबर 2 के पास मॉडल कॉलोनी के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और काफी ज्यादा नुकसान होने के अनुमान है। ICSE और ISC एग्जाम 2020 ने का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जी हां, 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। नया टाइम टेबल बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट CISCE.org है। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होगी, 10वीं की परीक्षाएं 2 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। इस बार परीक्षा रविवार को भी आयोजित किया जाएगा। पहले ये परीक्षा मार्च के महीने में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी।